कॉल इट फोर एन प्लस वन पाई बाई टू सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सो so, x का वैल्यू हो जाएगा फोर एन प्लस वन पाई बाई टेन खत्म देख लो ध्यान से. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई कॉस्ट टू एक्स का वैल्यू जीरो है तो वी नो दैट किल्टीपल ऑफ पाए बाय टू होता है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू हो जाएगा टू एन प्लस वन पाई बाय फोर तो अगर यहां मल्टीपल में एक्स की जगह कुछ और है तो भी चलता है नो प्रॉब्लम एट ऑल टेन थ्री एक्स का वैल्यू रूट थ्री मतलब टेन सिक्सटी डिग्री दैट गिव्स मी थ्री एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई थ्री वोट विल बी एक्स एक्स विल बी एन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाय नाइन सिंपल ये देखो कुछ अजीब सा लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई क्योंकि अल्टीमेटली एवरी इक्वेशन गोइंग टू रिड्यूसाइन अल्फा टू कोस अल्फा और टेन थीट लेट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा टू साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर यू सी समिंग बिकॉज आई सी साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर वन होता है साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर वन होता है ये मिला टू साइन इन दोनों में अगर मैं कॉस कॉमन लेता हूं तो टू साइन माइनस वन आएगा यू सी साफ दिस गिव्स मी टू साइन ये वन को अगर मैं इधर रखता हूं तो टू साइन माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कॉस प्लस वन इट मीन्स वॉट या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा मतलब साइन एक्स इक्वल टू वन बाय टू और कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन ना यू कैन सॉल्व साइन का वैल्यू वन बाय टू एन पाए प्लस माइनस वन पार एन पाए बाय सिक्स कॉस का वैल्यू माइनस वन कॉस का वैल्यू माइनस वन आपको पता है वन एटी पे होता है वन एटी मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो यू कैन डायरेक्टली से टू एन प्लस वन पाई। लेकिन अभी आपको नहीं पता सो व्हाट आई कैन से आई कैन से कि दिस इज कॉस वन एटी या कॉस पाई सो आई कैन से कि एक्स इक्वल टू टू एन प्लस टू एन प्लस टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा तो टू एन पाई टू एन प्लस वन और टू एन माइनस वन पाई एक्चुअली में दोनों सेम होते करोगे करोगे तो 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 भी भी ऑफ़ ऑफ़ सारे सारे आएंगे। आएंगे। so नेक्स्ट ये क्या है साइन पावर फोर कॉस्ट पावर फोर कुछ याद आया आपको साइन पावर फोर प्लस पावर फोर कुछ हुआ करता था सो लेट मी कन्ट दिसन पावर फोर

x तो इक्वल टू एन पाए होता है और कॉस एक्स जीरो है तो x का वैल्यू टू एन प्लस वन पाई बाई टू होता है दोनों को n नहीं लिखते हैं। एक को m लिख देते यू <coughs> ये क्या है odd मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आई कैन से ये टू एम पाई बाई टू है बोलो ये सोलो दिस टू एम पाई बाई टू ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू और इसका मतलब एक्स इज एक्चुअली ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू तो आई कैन राइट के पाई बाय टू ये जो मिक्सिंग होती है दैट इज वेरी ट्रिकी वो आपको समझना होगा और आपको समझ में कैसे आएगा कि हमें मिक्सिंग करनी है या नहीं करनी है बाय लुकिंग एट द ऑप्शन इफ यू डोंट सी दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस ओनली इन द ऑप्शन मतलब आपको कुछ ग्रुप करना है कुछ चेंजेस करने हैं एंड यू विल बी एबल टू मैनेज दट क्या है ये क्यूब आ गया ये पार फोर आ गया वो क्यूब आ गया कोई बात नहीं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व करो पॉज करो बहुत आसान है मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में दिस इज साइन माइनस कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है ये दोनों कैंसिल हो गया क्या मिला हमें साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बट रॉन्ग है ये इसमें यू नीड टू पुट वन मोर टर्म एंड दैट इज ये टर्म ऐसे जीरो थोड़ी कर कैंसिल थोड़ी कर सकते अगर वो जीरो हो गया तो इसलिए यू हैव टू मेक केस कि वन प्लस साइन कॉस इक्वल टू जीरो और दिस मतलब साइन कॉस इक्वल टू माइनस वन वी नो दैट साइन कॉस क्या होता है हाफ साइन टू थीटा। तो अगर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन टू एक्स इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा और ये साइन इक्वल टू कॉस है डिवाइड करोगे तो टैन एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कॉस का वैल्यू जीरो नहीं है कैसे पता भाई अगर जीरो होगा तो साइन को भी जीरो होना पड़ेगा लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं होते कभी भी। क्यों? उनके का सम तो वन होना और साइन टू एक्स का वैल्यू माइनस टू भी नहीं हो सकता माइनस वन से वन के बीच में होता है तो क्या टू एक्स वन है एंगल कुछ भी हो टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वन बाय वॉट एवर इज द एंगल साइन लगने के बाद तो वो माइनस वन 1 ही आएगा यहां से कुछ नहीं मिला यहां से क्या मिला एक्स इक्वल सिंपल नेक्स्ट ये क्या है साइन फोर एक्स साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स कुछ भी लिखा हुआ है वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू यूज आवर फेवरेट फॉर्मूला सी डी वाला फॉर्मूला कौन सा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो कॉस थ्री एक्स प्लस साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू सो दैट विल प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू कुछ देखा कॉस थ्री एक्स कॉमन है तो कॉस थ्री एक्स कॉमन निकाल लेते बचेगा वन माइनस टू साइन एक्स क्योंकि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा अब या तो cos थ्री एक्स का वैल्यू जीरो होगा या फिर साइन एक्स का वैल्यू वन बाय टू होगा यहां से अब आपको पता है दिस विल गिव यू थ्री एक्स इज टू एन प्लस वन पाई बाय टू एंड दिस विल गिव यू एक्स इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस वन पार एन पाई बाय सिक्स

सेवन पाई बाय सिक्स माइनस पा बाय सिक्स माइनस थ्री पाई बाई सिक्स डीज आर एक्स का वैल्यू एक केस में यूनियन सेकंड केस एन को जीरो पुट किया तो पाई बाय सिक्स एन को वन पुट करो एन को वन पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई बाई सिक्स दैट इज फाइव पाए बाई सिक्स एन को टू रखा तो टू पाई प्लस पाई बाय सिक्स मतलब 13 पाई बाय सिक्स माइनस वन रखा तो माइनस पाई माइनस दैट इज माइनस सेवन पाई बाय सिक्स एंड व्हाट डू यू सी इन दोनों का यूनियन क्या आएगा ध्यान से देखना फर्स्ट वन इज ऑर्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाय सिक्स एंड दिस इज मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई सिक्स

कि टू एन प्लस वन फाइव बाई द फाइनल आंसर नो नीड टू राइट बोथ ऑफ दिस तो देखो दोनों में pi by six था, तो बाई मर्ज करने का ट्राई किया और मर्ज हो गया ध्यान से देखो वापस से फर्स्ट ब्रैकेट में सारे ऑड मल्टीपल है. दूसरे में कुछ कुछ ऑड मल्टीपल फाइव बाई है. उसके अलावा कुछ नहीं है मतलब सेकंड के सारे एलिमेंट फर्स्ट में तो हैं यूनियन लोगे तो सेकंड गाय भी हो जाएगा सब कुछ फर्स्ट में है और फर्स्ट बेसिकली क्या है टू एन प्लस वन फाइव बाई सिक्स और मल्टीपल्स ऑफ फाइव बाई सिक्स विल बी सॉल्विंग मोर इक्वेशन मोर क्वेश्चन सब से ट्यून